कीर्ति गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारा चैनल आपको रियल स्टेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, रियल स्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देने का काम करता है। मैं हूं राजवंत सिंह मोहाली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक रियल स्टेट बिजनेस के ऊपर मैंने लिखा है, यदि आप ज़्यादा पढ़े नहीं तो कोई बात नहीं, रियल स्टेट बिजनेस बड़े लेवल पर कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई का रियल स्टेट से ज़्यादा लेना देना नहीं। हाँ, पढ़े लिखे होना अच्छी बात है। यदि आप ज़्यादा पढ़े लिखे होगे तो उसको डॉक्यूमेंटेशन है जो, उसको अच्छे तरीके समझ लोगे। कई बार आपके पास कोर्ट केस आ जाता है, कोर्ट केस वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, कोर्ट केस की प्रॉपर्टी के कागज पढ़ने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। लेकिन बहुत बंदे ऐसे हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन रियल स्टेट में बहुत बड़े किंग हैं। सबसे पहले मैं कुलवंत सिंह की बात करूंगा, जो मोहाली में मेयर रहे हैं और अभी उन्होंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा है और वो पंजाब के सबसे अमीर कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं। जितनी रिटर्न उन्होंने दिखाई है, अपनी जितनी आमदन उन्होंने दिखाई, जितनी जायदाद उन्होंने दिखाई है, तो महाराजा पटियाला भी नहीं दिखा सका, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नहीं दिखा सका, और बादल परिवार को जिसको बहुत अमीर माना जाता है वो भी उतनी रिटर्न उसकी अपनी आमदन नहीं दिखा पाया। और यदि आप कहो भी कुलवंत सिंह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, नहीं, कुलवंत सिंह सिंपली मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन से नीचे ही हैं। ग्रेजुएशन नहीं करी उन्होंने, कोई उन्होंने एमए नहीं की, पीएचडी नहीं की, कुछ नहीं। बहुत कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बने रियल स्टेट की वजह से। स्कूली एजुकेशन या कॉलेज के एजुकेशन मान लो उनके पास कम है, लेकिन उनका जो ऑरा है, उनका जो अपना दिमाग है, सेल्फ एजुकेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। सीखने का बहुत ज़्यादा उनमें ललक है, जो मैंने देखा है। मैं उनके साथ रहा हूँ, कुछ देर मैंने उनके साथ बिताए हैं और मैंने उनको देखा है कि वो आदमी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, अभी भी सीखते ही रहते हैं वो। तो आप सीखने की यदि आप में ललक होगी तो आप डेफिनेटली कहीं से भी कहीं पहुँच सकते हो। कुलवंत सिंह बिल्कुल जीरो लेवल से 200 रुपये महीने की नौकरी से उन्होंने कारोबार शुरू किया था, अपना कैरियर शुरू किया था। आज वो पंजाब के पॉलिटिशियन में भी सबसे ज़्यादा अमीर है। तो दोस्तों, यदि हम इस तरीके की अपने मन में बिठा के बैठे हैं कि रियल स्टेट बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए या बहुत ज़्यादा हमें तजर्बा होना चाहिए, ये जितना तजर्बा हो, जितना पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे सीख सीख के कहीं से कहीं पहुंच सकते हो। एनके शर्मा है, एनके शर्मा हमारे जीरकपुर के, वो भी एमएलए हैं, वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्होंने बबूल के पेड़ के नीचे प्लास्टिक की कुर्सियाँ रख के काम शुरू किया था और आज वो एमएलए, दो बार एमएलए बन चुके हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन चुके हैं। हमारे चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, वो भी रियल स्टेट बिजनेस में ही आगे बढ़े हैं। ये तीनों का रेफरेंस मैं तब दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली 2013 में जो पब्लिश हुई थी, तब उनका रेफरेंस मैंने उस किताब में दिया था। और आज तो पता नहीं कितने सैकड़े बंदे इस फील्ड में आके आगे जा चुके हैं, अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। यदि आप पॉजिटिव हो, आप में नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं है, आप ज़िंदगी में पॉजिटिव हो, बात करने के लायक हो, सामने वाले बंदे के साथ कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हो, तो एजुकेशन जो स्कूली एजुकेशन है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती। आपको करना क्या है, आपने अपने जो आपके फील्ड के बंदे हैं, जो आप जिनको एक्सपर्ट समझते हो, उनके साथ बैठ के उनसे सीखना है, उनके साथ बात करनी है, उनसे बात करने का तरीका सीखना है, उनका काम करने का स्टाइल सीखना है, उनको उनकी नकल करने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से करते हैं, अपना दिमाग भी लगाना है, फिर अपना दिमाग भी लगाना है। सो दोस्तों, मैं इस वीडियो से ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप आने वाले टाइम में यदि आप अपनी सोच बदलने में कामयाब होगे,
आप अपनी सोचने की दिशा बदलने में कामयाब हो गए तो आपकी दशा डेफिनेटली बदल जाएगी, जैसे सरदार कुलवंत सिंह की बदली है, चरणजीत सिंह चन्नी की बदली है, एन के शर्मा की बदली है और ऐसे ही बहुत सैकड़े नाम हैं। यदि पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हेनरी फोर्ड बहुत कम पढ़े लिखे थे, बिल गेट बहुत कम पढ़े लिखे, सचिन तेंदुलकर बहुत कम पढ़ा लिखा है, और भी जितने मर्जी नाम निकाल लेना, पढ़े लिखे होना ये क्वालिफिकेशन नहीं कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। कई आदमी 5-5 एमए करके 6-7 एमए करके नौकरी कर रही हैं, मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, नहीं, ये आपकी जो ग्रोथ है आपकी सेल्फ एजुकेशन के ऊपर है। आप अपना टाइम कहाँ लगाते हो, किसके साथ बैठते हो, जो बेस्ट टाइम है आपका वो वही है जो आप अपने दोस्तों में इन्वेस्ट करते हो, ना कि ताश खेलते हो या शराब पीते हो या पार्टियों में जाते हो या कुछ और कहीं मतलब टाइम किलिंग करते हो। टाइम किलिंग नहीं करनी, आपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। अच्छी जगह पे यदि इन्वेस्ट करने में कामयाब हो जाओ तो आपको पढ़ाई लिखाई यदि आप में कम भी है तो भी आपके आड़े नहीं आएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा करना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी जरूर दबा देना। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में, बहुत जल्द नए टॉपिक्स के साथ मिलूंगा। तब तक आप सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। पढ़ेंगे हम तभी बढ़ेंगे हम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों मत्था मारने की आदत डाल लो, हर एक चीज़ का मंथन करो, चिंतन करो उसके ऊपर, सरेंडर नहीं करना किसी चीज़ पर। कोई चीज़ समझ नहीं आती दोबारे दोबारे देखो, मेरी वीडियो समझ नहीं आती दोबारे देखो, कोई अच्छे पॉइंट नोट करो फिर डिस्कस करो, तो आपको भी समझ आना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतने, मिलता हूँ जल्दी, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।